जलवा है हमारा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। तो गाइस फाइनली आज का जबरदस्त ट्रेंडिंग पर हिट किया। तो गाइस इसका स्टेटस बहुत ही वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पर, जाके देख लो। और बनाने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। ओके मटेरियल का भी कोई टेंशन मत लेना, आपने वाइन में डिस्क्रिप्शन में डाल लिया जाके लिंक, और सभी मटेरियल में डाउनलोड कर लो। और प्लीज वीडियो बने रहो, स्किप मत कर देना, तब समझोगा। ओके तो गाइस इस तरीके से वीडियो बनने के लिए दो एप्लीकेशन। तो गाइस इस तरीके से मैंने बीट सेट किए हैं। ओके तो गाइस इसको इफेक्ट ऐड कर लेना, बाकी कुछ नहीं करना। यहाँ पर मैं टैप करता हूँ, टैप करने के बाद एनिमेशन का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, कॉम्बो पे जाता हूँ। यहाँ पर गाइस लास्ट में आना इस तरीके से, इस ऐप में वीपीएन लगा देना गाइस, तब तक इफेक्ट ऐड हो जाएगा। ओके नॉट वीपीएन से नहीं चलता है।
ओके, यहाँ पर बीट के साथ मैं ऐड करता हूँ। ओके गाइस, ऐड करता हूँ यहाँ पर। गाइस इस तरीके से होने के बाद सबसे पहले इस तरीके से एक्सपोर्ट कर लेना। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया है, तो गाइस इस तरीके से स्टेप होने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ हटा देता हूँ। यहाँ पर अलर्ट मोशन एप्लीकेशन ओपन कर देता हूँ। तो गाइस अलर्ट मोशन एप्लीकेशन ओपन करने के बाद प्रोजेक्ट पर आना है। यहाँ पर सॉरी सॉरी, मैंने जो प्रोजेक्ट एडिट किया है यहाँ पर टैप करता हूँ मैं। टैप करने के बाद तो गाइस ऑलरेडी मैंने एडिट कर रखा है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, सबसे पहले लास्ट में आना है। यहाँ पर आने के बाद कलर फिल पे जाना है। यहाँ पर बाकी कुछ नहीं करना, मैंने ऑलरेडी एडिट कर लिखा है। यहाँ पर अपना मॉडल की में डाल देना। ओके, बाकी कुछ नहीं करना, मैं कौन सा भी एक इमेज लेता हूँ तुमको से करने के बाद। ओके, यहाँ पर इस तरीके से एक ये वाला इमेज लेता हूँ, ऑटोमेटिक लग गया। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं करना, अपना मड़के में डालना है, बाकी कुछ नहीं करना, जाके एक्सपोर्ट कर लेना। और कोई यहाँ पर क्या करना है, इसका वीडियो डिलीट कर लेना है, और जो अपने कैप कटनी वीडियो बना था यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था वो उसका डाल देना, बाकी कुछ नहीं करना। ओके, इस तरीके से होने के बाद सभी वीडियो एक्सपोर्ट कर लेना है। ओके, तो भाई चलो मैं नेक्स्ट टूटल